वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरे डॉट कॉम चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि निकॉन में सबसे बेस्ट बिगिनर कैमरे कौन से हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे प्राइस रेंज में। तो आपको ये करना है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना है कि व्हाट रिक्वायरमेंट्स यू हैव, व्हाट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यू हैव फ्रॉम योर कैमरा बॉडी। वंस योर रिक्वायरमेंट्स सॉर्टेड आउट, आपकी रिक्वायरमेंट्स एक बार आपको पता चल जाती है, तो जो भी आप परचेस करोगे बहुत ही सक्सेसफुल परचेस रहेगा। सो मूविंग ऑन, आपकी बजट आपके पास है, आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके पास है, गाइड मैं करूँगा। धीरे धीरे इस बजट गाइड में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री लेवल APS-C शूटर्स की बात भी करेंगे, सेमी प्रूफ शूटर्स की भी बात करेंगे और एट द एंड एंट्री लेवल फुल फ्रेम शूटर्स की भी बात करेंगे। तो सारे बिगिनर्स को हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले इस वीडियो में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप निकॉन के साथ एसोसिएटेड हो या होना चाहते हो, इन दोनों के लिए। तो चलिए हम बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री लेवल शूटर्स को शॉर्ट आउट कर लें। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखो। अगर आप स्टिल शूटर है, इफ़ यू आर नॉट इनटू वीडियो वर्क, अगर आपके पास वीडियो उतना करना नहीं है आपको, ना तो YouTube के कंटेंट्स बनानी है, तब आपके लिए जो एंट्री लेवल कैमरा है D3500 एंड D5600 कैमरा बहुत ही सूटेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एंट्री लेवल जोन में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है राइट नाउ। ऑफकोर्स D5600 कैमरा इज़ वेटिंग फॉर एन अपडेट, उस अपडेट के लिए वो वेट कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक में आ रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट स्टिल इवन 30,000 रेंज में 3500 कैमरा बहुत अच्छा है, 40,000 रेंज में 5600 कैमरा बहुत अच्छा है। डिफरेंसेस को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूँ कि विद द 5600 कैमरा यू आर गेटिंग बेटर एयर सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है, कंपोजिशनल फ्रीडम मिलती है। कंपोजिशनल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो आपको वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है, दैट गिव्स यू लिटरली कंपोजिशनल फ्रीडम। एंड अगेन द टच डिस्प्ले स्क्रीन हेल्प्स यू एक्चुअली सेव लॉट ऑफ टाइम when you jump into the menu, select a desired setting, उससे अच्छा कई एक settings को एक access हो जाती है उस कैमरे में। तो कई सारे important features, important upgrades के साथ 5600 कैमरा हमारे सामने available है। So if you can get 5600 कैमरा, it will be better for you। आप 5600 कैमरा लो, under 40,000 ये बहुत ही best है। But somehow अगर आपका budget 30,000 पे limited है, then you can get the 3500 कैमरा। इन सारे फीचर के सबसे ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि दोनों कैमरे में ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ। तो अगर आप इन कैमरों से इमेजेस लेते हो, एट 100% स्केल दे गिव यू वेरी शार्प इमेजेस। 100% स्केल पे आप देखोगे तो बहुत ही शार्प इमेजेस ये रहती हैं, काफ़ी अच्छी इमेजेस आपको डिलीवर करती हैं। स्पेसिफिकली ये जो नई जनरेशन की AFP लेंसेस निकॉन ने लॉन्च करी, आप किट लेंस की बात कर लो, आप 70-300 DX फॉर्मेट की लेंस की बात कर लो, बहुत ही उम्दा लेंसेस है। सो इफ़ यू आर एंट्री लेवल शूटर, यू कैन गेट एनी ऑफ दिस लेंसेज। एंड ऑफकोर्स निकॉन ही एक ऐसा ब्रांड है, लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, कि ये जो है 35mm की DX फॉर्मेट लेंस बना के रखा हुआ है। तो इफ़ यू आर इनटू ग्रुप पोर्ट्रेट्स, आपको बर्थडे पोर्ट्रेट शूट करना है, फैमिली पोर्ट्रेट शूट करना है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, देन द बेस्ट लेंस टू बिगिन विद इज 35mm f1.8। प्रोफेशनल क्वालिटी पोर्ट्रेट्स आपको शूट करना है, देन यू कैन गो विद द 50mm f1.8 लेंस। तो ये सारी बातें हो गई कैमरा लेंसेज को लेकर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि 50,000 रेंज में निकॉन का कोई भी अच्छा कैमरा अवेलेबल नहीं। इस रेंज में बाजी मार लेता है कैनन, ऑफकोर्स विद 200D Mark II, बट हम स्पेसिफिक अभी रहेंगे निकॉन के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 60,000 to 70,000 प्राइस रेंज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है निकॉन का D7500 कैमरा, 72,000 में अवेलेबल है 18-140mm लेंस के साथ। 18-140mm लेंस मेरी भी फेवरेट है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट निकॉन ऑलराउंडर लेंस। एक बार आप ले लो, आप इमेजेस इससे लोगे तो टेक्स्ट शार्प इमेजेस आती हैं, काफ़ी अच्छी रिजॉल्विंग पावर इस पर्टिकुलर लेंस की। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि निकॉन जो खुद है, हमको कंपनी की भी हालत देखनी है। अब पहले तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस में कंपनी जा रही, ओके इट्स नथिंग मैटर। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप निकॉन के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खरीद लो, ये कहीं ना कहीं निकॉन को हेल्प करती है। तो आप बैटरी खरीदो, स्पेसिफिकली बैटरीज जो आप लेते हो थर्ड पार्टी मार्केट से, तो इसमें आप निकॉन्स की लो, इट विल गोइंग टू हेल्प द कंपनी। कंपनी को बचाना हमारी जिम्मेदारी। सो लेट्स मूव ऑन, ये अलग टॉपिक हो गई। बट यहाँ पे हम बात करते हैं, निकॉन एक्चुअली एक ट्रांजिशन स्टेट में है, दे आर शिफ्टिंग देयर बिजनेस फ्रॉम DSLR टू मिररलेस। कैनन ने तो खुलेआम 2018 के बिगनिंग में ही कह दिया था कि दे आर
कैनिबलाइजिंग देयर DSLRs. निकॉन ने कभी ऐसे खुलेआम नहीं कहा है, बट दे आर इनटू द DSLR कैनिबलाइजेशन आल्सो. तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास कहीं ना कहीं 70,000 का बजट आ जाता है तो आपको क्या करना है कि निकॉन का Z50 कैमरा ले लेना. Z50 मिल जाएगा आपको 77-76 के अराउंड फ्रेम में विद 60-50 mm लेंस. अगर हम कंपैरिजन की बात करें निकॉन D7500 कैमरा या Z50 के साथ, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा. बट इन जनरल मेजर डिफरेंसेस की बात कर लें तो 209 पॉइंट्स का हाइब्रिड एयर सिस्टम मिल जाता है हमारे Z50 के साथ, 11 फ्रेम्स पर सेकेंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलती है, प्लस बहुत ही लाइट वेट कैमरा है ये. और हाइब्रिड एफ सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि आप स्टिल शूट करो, आप वीडियो बनाओ, ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आपको देता है. तो वीडियो ट्रैकिंग आपकी बात कर लो, सब्जेक्ट फेस एयर ट्रैकिंग की बात कर लो, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है Z50 कैमरे की. और वर्सेटिलिटी की आप बात करो तो FTZ अडेप्टर अगर आप ख़रीद लेते हो तो आपकी निकॉन की पुरानी लेंसेज जो है अफोर्डेबल लेंसेज है, आराम से इसमें आप अडेप्ट कर सकते हो. सो Z50 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. प्लस Z50 फ्यूचर है निकॉन का. Z50 यानी कि मिररलेस जो है वो फ्यूचर है. तो अगर आपके पास 70,000 के आसपास का बजट है, उससे ऊपर का है, तो मैं कहूँगा कि गो मिररलेस, फिर आप मिररलेस में इन्वेस्ट करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. आफ्टर Z50 हम जल्दी से बात कर लें कि सबसे बेस्ट एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस अभी कौन सा रहेगा कैमरा. तो ऑफकोर्स Z6 के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं, बट इसके लिए आपको 150-160 के आसपास पे करना होगा. देन यू विल गेट द बॉडी, FTZ अडेप्टर, और थोड़ा आगे बढ़ो तो आपको एक लेंस भी मिल जाती है. सो नियर अबाउट आपको 150-160 जाना पड़ेगा प्राइस रेंज में अगर आपको निकॉन का एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा चाहिए. तो आप अगर बिगनियर हो, एक इंटरी लेवल APS-C कैमरा लेना चाह रहे हो, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है. हाँ, आने वाले 6-7 महीनों में Z30 की रूमर है कि एक इंटरी लेवल APS-C मिररलेस कैमरा आ जाएगा, बट नॉट नाउ. ये आपके एंड ऑफ 2020 की बात है. तो अब अगर आपको अभी लेना है, देन यू शुड गो विद D3500-5600 कैमरा. 70,000 के ऊपर का बजट है तो गो मिररलेस फ्यूचर है. निकॉन मिररलेस कैमरों पे ध्यान दे रहा है, वो ट्रांजिशन स्टेट में है, अभी मिररलेस के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं. तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू हैव बजट मोर देन 70,000, गो मिररलेस. Z50 लो, Z50 के ऊपर का बजट है तो Z6 लो. सो दीज वेयर माई रिकमेंडेशन टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू बाई निकॉन कैमरा इन द ईयर ऑफ 2020. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप आराम से पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.